आयशा मुझे ये बताया कि भाभी से क्या शिकायतें हैं। भाभी जो होती है सबसे पहले तो भाई को दूर कर देती है बहनों से, और भाइयों को कोई भी बात नहीं मानने देती बहनों के, बहनों की। और दूसरी बात ये कि काम नहीं करती, मम्मा को भी खिलाफ कर देती है पकड़ के बहनों के। और क्या हर छोटी छोटी बात पे नज़र रखती है हमारी, ये आज क्या कर रही है, ये आज कहाँ जा रही है, ये इतना तैयार शहर हुई है। और भाई को फिर बताती है इसका मोबाइल चेक करो। और भी बहुत सी बातें हैं भाभी के खिलाफ जो घर में इशू खड़ा कर देती हैं। भाभियाँ ना ही हो तो अच्छा है। मुनफरिद दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ ऑन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। आपने मुझे ये बताया कि भाभियाँ बेसिकली कैसी होती है, मतलब उनकी नेचर कैसी होती है, सही होती है? भाभियाँ बहुत सी होती है, बहुत क्यूट है। वैसे नेचर भी वैसे सही होती है, अगर जब बात पैसों की आ जाए तो फिर बदल जाती हैं। पैसों की बात में क्यों बदल जाती है? जाहरी बात है पैसे हैं, हम भी बदल जाएंगे। क्या कहती है फिर भाभियाँ, क्या कहती है? सबसे पहले तो अपनी चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देती, वैसे जितनी मर्जी अच्छी हो जाए चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देती। हाँ, रात को छुप छुप की चीज़ें खाती है वो भी नहीं पूछती, और जब मर्जी निकल जाती है वो भी नहीं बताती, लेके जाना चाहिए साथ आउटिंग पे, पर साथ नहीं लेके जाती। हाँ बिल्कुल। भाभी को क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम प्रूफ करें अपने आप को। मुझे ये पता है भाभी से कोई शिकायत है? जी भाभियों से तो बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं, वो होती है ऐसी सबसे मेरी शिकायत, उनसे कुछ भी कह दो तो बस उन्होंने सिड्डा दे देना होता है, बैठ जाती हैं बस मुंह बनाना है और कमरे को लॉक करना है, दरवाज़ा जोर से ठा और कमरे में चले जाना उन्होंने। आप घर इतना जुल्म करती है भाभी? हाँ जुल्म नहीं, जुल्म की नहीं बात, बस वो है ही ऐसी है। क्या इसका हल क्या निकालते हैं आप लोग? हम फिर चुप कर जाते हैं जब उनकी मर्जी होती है, 3-4 घंटे बाद वो वापिस आ जाती है। भाई को नहीं कहते कि इन्होंने आज ऐसे किया? भाई फिर डांटते हैं ना इसलिए उन्हें नहीं कहते। भाई क्या कहते हैं? भाई फिर उन्हें डांटते ना, फिर हमें अच्छा नहीं लगता कि उन्हें डांट भी पड़े ना, इस वजह से हम। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाभी से क्या शिकायतें हैं आपको? बहुत शिकायतें हैं, वो अच्छी नहीं होती, वो बहुत बातें करती हैं, वो कहती हैं आप क्या किधर आई हो, हम कहते हैं हम भी अपने मेके आए हैं तो मेला लगा हुआ है, हम आए हैं बहुत महंगा। भाभी क्या कहती है? भाभियाँ नहीं की भाभियाँ क्या कहा भाभियों ने, वो अच्छी नहीं होती, वो बहुत बातें करती हैं, वो कहती हैं आप क्या किधर आई हो, अच्छी होती है गंदी होती है? अच्छी है, है? गंदियाँ भी कभी हुई हैं, अपनी पसंद से लेके आते हैं, वो तो अच्छी होती है। नहीं कभी तो आप इतनी उनकी शिकायतें लगा रही थी? नहीं वो नहीं, डर गई? नहीं नहीं डरना, भाभी से डर गई? नहीं वो तो मेरी बेटियाँ ने कैमरा में शायद भाभी देख ले इसलिए डर गई है। नहीं फिर अभी तो आप इतनी बता रही थी बातें, अब क्यों चुप हो गई? नहीं मैं तो कह रही हूँ वो ना, हाँ मैं कुछ नहीं कहती। और कोई लाभ लो ढूंढ लो। अच्छा निमरा मुझे ये बताया भाभी से क्या शिकायतें हैं? भाभी जो है हर टाइम हमसे काम लेती रहती हैं, खुद कुछ करती नहीं है, कमरा से बाहर नहीं निकलती, बस वो कहती हैं बस नंदे मिली हुई हैं काम करने के लिए, बस काम वाली समझा हुआ है मैंने। आप शिकायत नहीं लगाती कि यार वक्त मेरे तो काम करा? उन्होंने भाइयों को भी अपने काबू में किया हुआ है ना, जब भाई सुनेंगे तो भाभी सुनेंगी ना। तो मम्मा वगैरह किसी को नहीं आप लोग बता सकते कि हमारे साथ जुलम हो रहा है घर में? बताया है लेकिन वो भाभियाँ बड़ी चलाक हैं, उनको भी अपने बस में कर लेती हैं। भाभियों का क्या हाल है? हाल कोई नहीं है, जब तक भाई अपने बस में है तब तक ये भाभियाँ भी रहेंगी, अब भाभियाँ भाई भाभियों के बस में होंगे तो फिर कैसे हो चलेगा? भाई की शादी कर रहे होते हैं तब ये सोचते कि ये भाभी जो हमारे घर आ रही है ये ऐसे करेगी हमारे साथ? नहीं तब तो कहते कि बहने बन के रहेगी, लेकिन जब आती तो कुछ और ही बन जाती है। चलो जी बहुत अफसोस हुआ, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताया कि भाभी से क्या शिकायतें हैं? भाभी जो होती है सबसे पहले तो भाई को दूर कर देती है बहनों से, और भाइयों को कोई भी बात नहीं मानने देती बहनों के, बहनों की। और दूसरी बात ये कि काम नहीं करती, मम्मा को भी खिलाफ कर देती है पकड़ के बहनों के। और क्या हर छोटी छोटी बात पे नज़र रखती है हमारी, ये आज क्या कर रही है, ये आज कहाँ जा रही है, ये इतना तैयार शहर हुई है। और भाई को फिर बताती है इसका मोबाइल चेक करो। और भी बहुत सी बातें हैं भाभी के खिलाफ जो घर में इशू खड़ा कर देती हैं, भाभियाँ ना ही हो तो अच्छा है। अच्छा जब भाई की शादी हो रही होती है और हम बड़ा तैयार शहर होके फिर रहे होते हैं तो तब सोचो होता है कि ये जो स्टेज पे बैठी हुई भाभी है ये मेरे साथ बाद में ऐसे करेगी? नहीं लगता होता है, लेकिन ना फिर हम कुछ बोलती नहीं है, भाई की खुशी होती शादी की, लेकिन बाद में ना फिर हमें पता था दूसरे दिन ही ऐसा शुरू हो जाता है होना। कोई इसका हल निकल सकता है भाभी का? हल ये है कि भाइयों की शादी ना करो।
मैं मुझे ज़्यादातर पंजाबी सॉन्ग ही आते हैं, तो सैड सॉन्ग है, मैं वही सुना दूँगी। चले जी सुनाइएगा। वे मैथों तेरा मन परिया मन परिया बदल गयो सारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा, वे तू मैनू छड़ जाना, अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे, मैनू तू बना के, वे फिर तेनू पता लगना किवें पीता जांदा पानी खारा खारा, वे तू मैनू छड़ जाना। क्या बात है ईशा, क्या बात है, ये इतना जबरदस्त गाना ये आपने सीखा है, ये नेचुरल है? नहीं नहीं, सीखा कहीं से भी नहीं, नेचुरल है। मेरा शौक है कि मैं सिंगिंग करूं, लेकिन घर वाले इजाजत नहीं देते। क्या हाल सोचा आपने इसका? कोई भी नहीं, मतलब ऐसे ही कोई इवेंट होता है कॉलेज में यूनी में तो मैं उधर सिंग कर देती हूँ, बस अपना शौक पूरा कर लेती हूँ। सैड गाने क्यों गाती हैं आप? क्योंकि सैड में मेरी ज़्यादा अच्छी आवाज़ निकलती है। ये किसने बताया आपको? ये सभी कहते हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ सारे कहते हैं दर्द बड़ी। आपकी आवाज़ में ये दर्द कैसे है? ये सारे ही कहते हैं कि तुम्हारा दर्द है, मतलब कि मैंने कहा नहीं, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। ऐसे कभी महसूस हुआ कि मेरी आवाज़ से किसी और को भी दर्द हो सकता है? हाँ जी हुआ है, इतनी बार एकेडमी में मैं हमेशा मैं जब सिंगिंग करती थी तो मेरे सर थे फिजिक्स के, वो रोने लग जाते होते थे। आपकी आवाज़ सुन के रो पड़ते थे या आपकी आवाज़ सुन के रो पड़ते थे? आवाज़ सुन के ही रो पड़ते थे। वो उनको भी मेरा यही सॉन्ग पसंद था ज़्यादातर। आपके सुर इतने एक्यूरेट लगते इसलिए रो पड़ते थे, या वो होता है ना कभी कभी बंदा सुनता है तो सर में दर्द शुरू हो जाती है तकलीफ? ये जैसे आपका अभी फिलहाल रिएक्शन है ना, वैसा ही समझ लें अब आपको क्या फील हो रहा है, आपके दर्द हो रही है? नहीं नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, तो भी अच्छा ही लग रहा था। कभी किसी ने ऐसे कहा कि तुम्हारा ही आवाज़ सुन के मेरा सर में दर्द शुरू हो गई? नहीं नहीं, फिलहाल मुझे फोर्स ही करती हैं, अभी आपके सामने ही है, देख लें। भाभियों से क्या शिकायतें हैं? भाभियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि हमेशा माँ बाप के खिलाफ कर देती हैं, और बहुत ज़्यादा बुरियाँ भी होती हैं, इसलिए मुझे भाभी बिल्कुल नहीं पसंद। बुरियाँ क्यों होती है? वो इसलिए बुरियाँ होती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना खिलाफ होती हैं इसके, उन्हें के घर में अलहदा हों, हमें सेपरेट माहौल मिले हमेशा, और माँ बाप की बुराइयाँ भी बहुत ज़्यादा करती हैं वो। तो भाइयों को आप शिकायतें लगाती हैं कि भाभी हमारे साथ बुरा सलूक कर रही हैं? खैर अभी मेरे भाई की शादी नहीं हुई। मगर उसे एक ज़रूर पसंद है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो अगर वो आपकी भाभी बन गई तो फिर क्या होगा? मेरी पूरी कोशिश है अभी बिल्कुल ना बने। कोशिश कैसे कर रही हैं? वो फिर अंदर ही कुछ ना कुछ मसले वगैरह मैं डालती रहती हूँ ताकि वो थोड़े दूर। मतलब कैसे कैसे प्लानिंग कर रही है उसके भाभी ना बने वो? वो थोड़ा थोड़ा करके मैं उसके दिमाग में डाल रही हूँ, बहुत बुरी है, ऐसे करती है, ये करती है, वो करती है। तो आपकी प्लानिंग शो थोड़ा उतर है उस भाई, अभी थोड़ा थोड़ा उस तरतीब पे उतर है। ये आपकी प्लानिंग शो है वो काम कर रही है? थोड़ी थोड़ी इंशाल्लाह हो जाएगी काम। फिर फर्ज अगर वो आपकी भाभी बन गई तो क्या होगा फिर? फिर यही होगा, सहना पड़ेगा उसे। चले जी, ये यहाँ की मासूम मासूम प्यारी प्यारी भोली भोली सी नंदे, और इन्होंने आज अपनी भाभियों की जो है वो हमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारा कुछ बताया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।